कौन हो सकता है बल्लभगढ़ से बीजेपी को हराने वाला व्यक्ति? तो शायद जवाब हो सकता है पूर्व पार्षद दीपक चौधरी। तो दोस्तों आखिरकार क्यों, आइए हम जानते हैं। तो नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। दर्शकों आपको मैं बता दूं कि दीपक चौधरी ने वर्ष 2019 में हरियाणा के विधानसभा चुनाव बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ा और प्रयास किया कि किसी तरह से जनता को राहत मिल सके, लेकिन जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठने का आदेश करते हुए लगभग 20,000 वोट से विजय बनाने का काम किया। लेकिन पार्षद दीपक चौधरी निरंतर जनता की सेवा में लगे रहे और जनता के हितों को रखने के लिए सहयोगी पार्टी जेजीपी के साथ रह करके संपूर्ण विकास बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वार्ड 37 में करोड़ों के विकास कार्य करवाए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भय और भ्रष्टाचार निगम में ज़्यादा बढ़ गया है, तो रूलिंग पार्टी में होते हुए भी भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्य पार्षदों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी और लगभग 200 करोड़ के घोटाले उन्होंने उठाए। साथ ही भ्रष्टाचारी अफसरों और ठेकेदारों को जेल पहुंचाने का काम भी बखूबी उन्होंने शासन प्रशासन के माध्यम से किया। फिर उन्होंने सोचा कि ज़्यादा बेहतर तरीके से जनता के मुद्दे उठाए कैसे जा सकते हैं, तो उन्होंने 2024 में कार्यकर्ताओं से राय लेते हुए कांग्रेस को मजबूत करने का निर्णय लिया और कुमारी शैलजा के माध्यम से लगभग 6 विधायक एवं कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में पानीपत जन आक्रोश यात्रा के दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी ज्वाइन की और कांग्रेस की नीतियों को घर घर पहुंचाने का काम भी किया। साथ ही बल्लभगढ़ से कांग्रेस की सीट निकालने का भरोसा भी दिया और अब वक्त आ गया जनता और कांग्रेस को कि वह किस व्यक्ति पर नज़र डाले जिससे कि बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बदलाव हो सके। तो दीपक चौधरी के अनुसार बेहतर बल्लभगढ़ बनाया जा सके। अब आपको बताते हैं वर्ष 2014 में लखन सिंह ला ने चुनाव लड़ा, लगभग 14,800 वोट उनके आए, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े थे। फिर 2019 में पूर्व विधायक आनंद कौशिक ने बल्लभगढ़ से चुनाव लड़ा, लगभग 20 से 25,000 के आसपास वोट उनकी आई। अब पिछले 10 साल में बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का प्रदर्शन लगभग बहुत कमज़ोर सा रहा है। दीपक चौधरी ने निर्दलीय रहते हुए 20 से 25,000 वोटों पर पकड़ रखने की बात वो करते हैं। अगर कांग्रेस की टिकट उन्हें मिल जाए तो निश्चित तौर पर 20 से 25,000 वोट कांग्रेस की और 25 से 30,000 वोट दीपक चौधरी की अगर मिलकर के काम करें, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बल्लभगढ़ में कांग्रेस का विधायक दीपक चौधरी के रूप में बन करके आ सकता है। यह निर्णय पार्टी को, जनता को करना है। सिर्फ हमने एक आपको वक्तव्य एक उनके बारे में थोड़ा सा बताया है, लेकिन जनता स्वयं तय करे कि 2024 में किसका साथ देना जो बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र का समुचित तरीके से विकास कर सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद।